हेलो एवरीवन, आई एम सुदीप पांडे एंड यू आर वाचिंग एसपी न्यूज एंड नॉलेज। आज हम लोग माध्यमिक केवीटी टेस्ट पेपर का पेज नंबर 193 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका ग्रामर सेक्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। द इजिप्शियन, देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, डिस्कवर्ड आर डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड अ वे ऑफ प्रिजर्विंग द बॉडीज ऑफ पीपल आफ्टर डेथ। द डेथ मतलब दे यूज यूजेस और यूज हर्ब्स एंड ऑयल टू ट्रीट ट्रीट्स एंड ट्रीटेड द बॉडी। अब देखो ये हम लोग का हिस्ट्री का है ना पार्ट, तो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, हमेशा पास्ट टेंस में ही। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, द इजिप्शियंस डिस्कवर, तो ये डिस्कवर्ड जो है डिस्कवर्ड ये हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। क्लियर, डिस्कवर्ड अ वे टू प्रिजर्विंग द बॉडीज ऑफ पीपल आफ्टर डेथ दे यूज यूजेस और यूज। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे यूज, ठीक है, तो दे यूज जो है वो हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। हर्ब्स एंड ऑयल टू ट्रीट ट्रीट और ट्रीटेड द बॉडी, तो ये हम लोगों का हो जाएगा क्या, ट्रीट। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कवर, सेकंड यूज्ड और लास्ट वन ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन में। फादर स्नैच अ डेथ लेटर वे डेथ स्वामी एंड टू रीड डेथ पीसेस। अब देखो द फादर स्नैच मतलब जो पापा हैं, पापा क्या किए थे, लेटर को फोल्ड किए थे, तो उसमें हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, द लेटर वे ऑफ फॉर्म किसके साथ से आया, मतलब किसके पास से आया था, स्वामी के पास से आया था, एंड टू रीड डेस पीसेस, अब टू रीड टू पीसेस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। हम टाइम बहुत ही कम ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है, जस्ट अगर बोले ना तो योर एग्जाम इज जस्ट नॉकिंग द डोर, सो आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर वर्ड्स, देयरफॉर आई कैन कंप्लीट एनी आंसर इन शॉर्ट पीसेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डू एस डायरेक्ट, ही गेव मी लेटर चेंज इन टू वॉयस। अब देखो दो ऑप्शन है हम लोग का, फर्स्ट पहले में भी एक ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग पहले भी बताए थे कि जो मेन वर्ब का जो बगल में जो हम लोग का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का हम लोग सब्जेक्ट करना है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, गिव है, गिव के बगल में क्या है, मी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे आंसर में, आई पास्ट में है इसलिए वर्ड आई वर्ड, अब क्या होगा, गिव, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, आई वॉज गिविंग जी आई वी आई एन जी, सॉरी गिवन आई एन जी नहीं, जी आई वी आई जी आई वी एन गिवन, आई वॉज गिवन अ लेटर आई वॉज गिवन अ आई वॉज गिवन अ लेटर किसके द्वारा मिला था, बाई। ओके, और अगर हम लोग इसको अ लेटर भी कर सकते हैं तो ये हम लोग का आंसर ऐसा बनेगा, अ लेटर वाज गिवन मी बाय हिम, लेकिन हम बोलेंगे कि तुम लोग एक काम करना कि ये आई वाज देके ही इसको रिजल्ट मतलब ऐसा लिखना, क्योंकि हम लोग का ग्रामर का एक रूल्स है, वर्ब का जो नज़दीक का रिश्तेदार होता है या फिर वर्ब का जो नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट रहता है वॉयस चेंज में, उसको ही सब्जेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। गिवन मी बाय हिम। नेक्स्ट, नीलिमा वॉज वेरी अपसेट एंड लेफ्ट फॉर होम अर्ली, मेक इट इनटू सिंपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसका जो आंसर बनाएंगे हम लोग,
इसका आंसर हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे कि नीली मान जो है बहुत ही अस्ट्रेट है, तो इसके लिए हम लोग आंसर ऐसे बनाएंगे बींग वेरी अपसेट being very upset Nilima being very upset Nilima left for home early। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। Now question number 3, father said does he always scold the student, change into indirect speech में, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे father asked if he always called the student, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फादर आस्क्ड इफ ही ऑलवेज कॉल्ड द स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेजल वर्ब, solve the sum now, summon the fire brigades and the president distribute the prizes। तो देखो हम लोग फ्रेजल वर्ब में क्या दिया गया है, put up, work out, call in and give away। तो हम लोग फर्स्ट आंसर जो बनेगा हम लोग का solve, solve का मतलब क्या होता है, solve करना या फिर समाधान करना, तो इसका फर्स्ट आंसर जो बनेगा वो होगा work out, ठीक है। सेकंड समन, समन का मतलब जो है मतलब कोई चीज़ को बुलाना या फिर समन का मतलब ये होता है किसी को कॉल करना, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का फ्रेजल वर्ब बनेगा तो कॉल इन, और डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हम सभी जानते हैं बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसका जो फ्रेजल वर्ब बनेगा वो होगा क्या, गिव अवे। अब यहाँ पर हम लोगों का तो ऑप्शन में था गिव अवे, गिव अवे क्यों हो गया क्योंकि ये पास्ट में है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इसलिए हो गया गिव अवे। क्लियर। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग शुरू से ही। तो द इजिप्शियंस डिस्कवर्ड द वे ऑफ प्रिजर्विंग द बॉडी आफ्टर डेथ, दे यूज्ड हर्ब्स एंड ऑयल टू ट्रीट द बॉडी, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, देखो हम लोग यहाँ पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम लोग एक सेंटेंस में वर्ब का सेकंड मतलब थर्ड फॉर्म यूज कर चुके हैं तो दूसरा उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म थोड़ी यूज करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग देखो यहाँ पर अगर फुल स्टॉप होता तो अलग बात था, तो यहाँ पर कोई फुल स्टॉप भी नहीं है, कुछ कॉमा भी नहीं है, कोई मतलब पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं यूज्ड और लास्ट में ट्रीट। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन द लेटर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लेटर के बारे में बोला जा रहा है, तो लेटर जो स्वामी से मिला था तो इसलिए पर्सनिफाई किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेटर से पहले क्या लिखा रहे हैं, दी लिख रहे हैं। अब किससे मिला था, फ्रॉम से मिला, मतलब स्वामी से मिला था इसलिए फ्रॉम, और उसको क्या किए थे, पीसेस कर दिए थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टू ऐड किए हैं, ठीक है। ही गेव मी अ लेटर, तो आई वॉज गिवन अ लेटर बाई हिम, यही हम लोग मतलब इसी को ही हम लोग बेस्ट करेंगे, और अगर तुम लोग चाहो तो इसको भी कर सकते हो, लेटर वॉज गिवन मी बाय हिम, इसको भी अगर करते हो तो ये कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कि नहीं, ये जो फर्स्ट आंसर है उसी को तुम लोग लिखना, ठीक है। हम लोगों का ग्रामर का रूल्स ये है यार कि जो फर्स्ट मेन वर्ब के बगल में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसी को हम लोग वर्ब सेंस में सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। नीलिमा वॉज वेरी अपसेट एंड लेफ्ट फॉर होम अर्ली, मेक इन टू सिंपल, तो बींग वेरी अपसेट सिंपल में करने के लिए बोला जाए तो बींग वेरी अपसेट नीलिमा लेफ्ट फॉर होम अर्ली, वो अपसेट होने के लिए घर जल्दी चले,
नीलिमा बहुत ही अपसेट होने के लिए, मतलब बीइंग वेरी अपसेट, नीलिमा लेफ्ट फॉर होम अर्ली। वो बहुत अपसेट होने के लिए घर जल्दी चले गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट फादर सेड डस ही ऑलवेज स्टॉल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे बनाएंगे, द फादर आस्क्ड इफ ही ऑलवेज स्टॉल द स्टूडेंट। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रेजेंट वर्ब में फर्स्ट ऑप्शन जो है सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है समाधान करना, जिसका हम लोग मतलब होता है वर्कआउट, ठीक है, कंप्लीट करना या फिर सॉल्व करना। नेक्स्ट समन, समन का मतलब होता है किसी को कॉल करना, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्ब में हम लोग लिखेंगे कॉल इन। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब अपने पास जो है उसको किसी को दे देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या गिव अवे, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का हो गया क्या गिव अवे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का पेज नंबर 193। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब भी बहुत ही कम जन करते हैं, तो वीडियो को सपोर्ट करो, तुम लोगों को चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, जितना हो सके शेयर करो। और तुम लोग इस कोशिश से मत रहना कि तुम लोग का एग्ज़ाम में नहीं होगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ने डिक्लेयर दे चुका है कि जैसे भी करके हो तुम लोग का एग्ज़ाम होगा ही, क्लियर। Thank you.